आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के जवानों के शहादत पर आंसू बह रहा था। शहीदों के श्रद्धांजलि में जहां गोड्डा शहर हाथ में मोमबत्ती लेकर शोक मना रहा था, वहीं अपने ही शहर का बेथल मिशन स्कूल सीबीएसई एफिलिएशन मिलने की खुशी में जश्न मना रहा था। हालांकि 2 मिनट का मौन रख शहीदों के प्रति शोक प्रकट कर औपचारिकता जरूर निभाई गई, फिर सभी उस जश्न में मकसूल हो गए। एक तरफ जहां लोग शहीदों की शहादत पर दुखी थे, आक्रोशित थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। वहीं बेथल मिशन रंगारंग कार्यक्रम में आनंद ले रहा था। हैरत और शर्म वाली बात यह है कि इस कार्यक्रम में गोड्डा के गणमान्य व्यक्तियों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। चाहे वो नगर अध्यक्ष हो या नगर उपाध्यक्षा या वार्ड पार्षद या गोड्डा के विभिन्न खेलों के सचिव से लेकर गोड्डा के जाने माने गायक तक, कोई भी स्कूल संचालक के इस निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर पाया। इस स्कूल के जश्न में के सामने इन शहीदों का बलिदान इनके सामने तुच्छ पड़ गया। कल के दिन पूरा जनसैलाब गोड्डा की सड़कों पर मोमबत्ती लेकर निकल पड़ा था। विभिन्न राजनीतिक दल और शहर के युवा से लेकर जिला के नामी गिरामी डॉक्टर तक कल इस शोक सभा में उपस्थित दिखे। देश के सपूत जो शहीद हुए हैं उनके प्रति सबने संवेदनाएं प्रकट की, लेकिन जो बेथल मिशन के रंगारंग कार्यक्रम में जश्न मना रहे थे, शायद उनकी संवेदना जीवित ना बची। अगर संवेदना जीवित बची होती तो साहब साफ तौर पर उस कार्यक्रम से आप शिरकत करने से मना कर सकते थे। मना कर गोड्डा के आमजनों के साथ कल कैंडल मार्च में जरूर दिखाई देते। वैसे तो कुछ समाज सेवियों और छुटभैये नेताओं के पोस्ट प्रतिदिन हर छोटे बड़े मामले में फेसबुक पर रोजाना आप देखते होंगे, लेकिन इतने बड़े मार्मिक घटना पर किसी ने प्रतिक्रिया तक व्यक्त नहीं की। लेकिन उस दिन कुछ बेगैरत लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे, कपल फोटो फेसबुक पर शेयर कर रहे थे, जो कि उस इंसान की मानसिकता साफ तौर पर आपको दिखाती है। इससे ज्यादा शायद मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि आज लिखते वक्त मेरे कलम लड़खड़ा रहे थे और मेरी आत्मा अंदर से कल्पित हो रही है। इस तरह के लोगों के लिए 2 शब्द अपनी राय के रूप में कमेंट में जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। कैसी इच्छा कल पुलवामा हुए, कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हमारे सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हो गए, उससे पूरा देश दुखी है, रोष में है। और कल गोड्डा में पूरा जनसैलाब जो है मोमबत्ती लेकर उसके रोष में सड़क पर उतर गया। एक तरफ बेथल मिशन अपने सीबीएसई के एप्लीकेशन के लिए जश्न मना रहा था और उसमें कई गणमान्य लोगों ने शिरकत किया, हमारे नगर अध्यक्ष उपाध्यक्षा से लेकर कई वार्ड पार्षद लोग वहां पर उपस्थित थे। इस पूरे घटनाक्रम को सर आपकी क्या राय, आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, जो पुलवामा में घटना घटी है परसों, उससे सिर्फ गोड्डा ही नहीं पूरा देश मर्माहत है। झारखंड में भी कई जगहों पर कई जिलों में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इसका पुरजोर विरोध किया है कि पाकिस्तान की जो नीति है जिसके कारण हम लोग जो जवान शहीद हुए उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखते हैं और हम लोग देंगे। जहाँ तक
पार्टी से हटकर बात है, जो छोटे मोटे आयोजन होते हैं वो कहीं ना कहीं बैतूल नेशन की आप बात कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ। हालांकि मुझे इन्विटेशन आया था तो मैंने सोचा कि इसको पोस्टपोन करते हुए अभी जाना वहां ठीक नहीं होगा क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एक निजी कार्यक्रम था, कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया जा सकता था क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है। तो कहीं ना कहीं जो जन भावना होती है उसके अनुरूप विद्यालय प्रबंधन को काम करना चाहिए, क्योंकि पूरा शहर कल मैं देख रहा था कि कैंडल मार्च कर रहा था और शहीदों को श्रद्धांजलि देने में जुटा होता। तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन को भी श्रद्धांजलि देने के लिए सड़क में आना चाहिए था, और कौन जा रहा है नहीं जा रहा है उस आयोजन वो उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि इसको पोस्टपोन करके अगले दिन के लिए रखना चाहिए था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कार्यक्रम को आ गया। कलकत्ता से कलाकारों को लगाकर वहां पर रंगारंग कार्यक्रम किया गया। सर, इस पूरे प्रक्रम को आपके हिसाब से आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हम जो घटना हुआ उसका तीव्र निंदा करते हैं, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, और जो घटना सब लोग भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक मर्माहत हैं, इसमें हम लोग भी मर्माहत हैं, और हम यही भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सैनिकों के परिवार को बल दें इस दुख के घड़ी में। जहां तक आपका क्वेश्चन है कि जश्न मनाने का, तो ऐसे तो हम यह नहीं जान पाए थे कि ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है जाने का, तो हम भी गए थे उस कार्यक्रम में। हम पूछे भी उनसे, ये जानकारी भी लिए कि क्या ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ, तो आइडियल था, तो हम सोचे कि जब यह पता चल गया तो शहीदों के नाम ही कार्यक्रम होगा या इस तरह का, तो जब गए तो वहां पर मौन धारण किया गया, लेकिन एक दो कार्यक्रम जब देखे तो हमको अच्छा नहीं लगने लगा कि नहीं, इस तरह का कार्यक्रम जो है आज के डेट में ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए था, इस तरह का कार्यक्रम। वहां पर जाने के बाद पता चल रहा था कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि कलकत्ता से भी ऑर्केस्ट्रा या इस तरह का आया है, हम उन लोग का प्रोग्राम तो नहीं देखे, एक दो बच्चे का प्रोग्राम देखे, उसके बाद कुछ अच्छा फील नहीं होने लगा कि नहीं, इस तरह का प्रोग्राम जो है ये इतना बड़ा घटना भारतवर्ष में हुआ है और इसमें इस तरह का प्रोग्राम, हम नहीं समझते हैं कि किसी विद्यालय के द्वारा यदि जश्न मनाने की बात है तो ये बहुत ही हम समझते हैं कि गलत ही एक प्रकार का हुआ है। प्रोग्राम था उनका और प्रोग्राम का तैयारी भी हो गया था, तो उनको शहीद के नाम पर प्रोग्राम मान लीजिए कि गाने उनका शहीद के नाम पर किया जा सकता था प्रोग्राम, और ऑर्केस्ट्रा वगैरह को बंद किया जा सकता था, और निश्चित रूप से करना चाहिए बंद। इस विद्यालय में हम संस्कार देने की काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इस तरह का प्रोग्राम इतने बड़े एक प्रकार का हम कहेंगे इतना बड़ा घटना में तो लोगों को इस तरह का प्रोग्राम जो भी किया गया सभी शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी और 2 मिनट का मौन भी धारण किया जी सर। और बच्चों को बताया गया कि ये हम हमारी हिफाजत के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, तो इसको मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था और ये समाज इसके कभी स्वीकार नहीं करेगा।